नमस्कार। तो मैं जो दो वीडियो बनाया, खास तौर से दो, वैसे तो कई बनाया हूं, कि जो शवों को का अंतिम संस्कार के ऊपर, उसके बाद मैं कुछ ऐसी तस्वीरें भी पाया 2018 की, उस पर एक वीडियो मैंने आपके सामने रखा। इस कड़ी में आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसको और समझने। मैं प्रयागराज से शरद मार्गी बोला हूँ। गंगा और जमुना के ऊपर शव का जितना भी कार्यक्रम होता है, बहाने का या उसको सजाने का, वो गंगा जमुना पोता संगम पर नहीं होता है। तो लगभग यहाँ पे हमारी जानकारी में 30-35 घाट है, जहाँ पे अलग अलग प्रोसेस का तरीका है। कुछ गांव में ऐसा होता है कि गांवों से लोग लकड़ियां साथ में लेकर आते हैं, कुछ वहां खरीदते हैं, कुछ घाटों में। तो पहली बार हमको याद है कि हम एक सांधकालीन अखबार न्यूज़ग्रिड में थे, 20-22 साल पहले की बात है। तो अचानक हमको इलाहाबाद से सहर्स जब यहाँ एक नए पुल से पार करें फाफों में जाता है, तो वहां पे काफी सारे चमकदार कपड़े गर्मी में दिखाई दिए। तो हम जब नीचे घाट के गए तो वहां देखा कि शव को दफनाया गया है। फाफाऊ तो कम स्थिति में, सिंगवेयरपुर घाट में बहुत ज्यादा दफनाया गया था शवों को। नदी के इस पार भी दफनाया गया था, नाव से ले जाकर उस पार भी दफनाया गया था। सिंगवेयरपुर घाट पर जो 2017-18 में हमने जाकर देखा, तो वहां पे हमको एक नई चीज दिखी कि उसको शव को दफनाया नहीं गया। तो दफनाने के बाद चारों तरफ बकायदा बल्ली लगाई गई, बल्ली लगाने के बाद लाल कपड़े से उनको किया गया, कुछ चुनरी टाइप का बनाया गया कि सबकी पहचान अलग अलग दफनाने के स्थान की दिखाई देती है। और नदी के इस पार भी किया गया था, नदी के उस पार भी किया गया था। तो दफनाने वाली परंपरा जो है वो कोई बहुत नई नहीं है, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम जयन यादव है, जगत नारायण यादव पूरा नाम है। जयन यादव मेरा में लोग अधिकतर जानते हैं, सरकारी सर्विस में अधिकतर लोग जयन यादव जानते हैं। मैं इसी जिले में सूचना अधिकारी रहा और इलाहाबाद के जो मंडल के जिले हैं, जैसे कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है और भी अन्य जनपदों में मैं सूचना अधिकारी रह चुका हूँ। ये मेरा परिचय है और मैं अभी अप्रैल 17 में जनपद प्रतापगढ़ से मैं सेवानिवृत्त हुआ। एक्चुअली इलाहाबाद में जो अंत्येष्टि स्थल हैं, मुख्य रूप से गंगा पर भी हैं, गंगा पर ही अधिक हैं। से एक तो जो अभी मालवीय जी बता रहे थे कि जो फाफा मऊ थे, फाफा मऊ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पारंपरिक रूप से शव दफनाए जाते रहे। खासतौर से यहाँ अंत्येष्टि का भी प्रावधान था जिसे वो लोग जलाते थे, लेकिन जो गरीब किस्म के लोग होते थे, कमजोर वर्ग के लोग होते थे, वो अधिकतर शवों को गंगा का जो तलहटी क्षेत्र होता है, गंगा तो बरसात में तो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन गर्मियों में या उसके बाद धीरे धीरे सिमट जाती, तो गंगा अधिकतर जो है सिटी साइड की तरफ बह रही है बहुत दिनों से। तो जो फाफामऊ साइड है वो खुला रहता है, उसे बेला कछार के रूप में जानते हैं, वहाँ सब्जी की खेती भी करते हैं। लेकिन पुल के ठीक नीचे जहाँ पर ये मुख्य आवागमन का पुल है और रेलवे का पुल है, इन दोनों के बीच में जो स्थल है गंगा जी के तट पर, वहाँ एक परंपरा रही है शवों के दफनाने। लेकिन अभी जो बात मालवीय जी कर रहे थे कि वहाँ श्रृंगवेरपुर में वो भी अंत्येष्टि स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल अंत्येष्टि स्थल है, जहाँ पर प्रतापगढ़ जनपद से ही लोग शव लाते हैं, इलाहाबाद के लोग वहाँ लाते ही लाते हैं। और पिछले साल जब कोरोना चालू हुआ था तो उस समय से ये हुआ, जब गंगा दूर चली गई तो लोग नजदीक के नाते बहुत लोग जाके शव जलाने का वहाँ अलग से प्रावधान किए, वहाँ ओसेट बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जाके वहाँ दफनाना शुरू करते, जगह मिल गई उनको, पहले जगह मिलती नहीं थी, गंगा सटीक बहती थी। तो इस समय प्रयाग में घाटों पर एक मुस्तैदी है, वहां पर लोग पुलिस की भी तैनाती हो गई है, श्रृंगवेरपुर में भी एक कमेटी बना दी गई है, तो वहां अब जो है शव दफनाए नहीं जा रहे। अखबारों में तो इतना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर देखा कि चूंकि कोरोना से बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं और गरीब और दलित और खासतौर से पिछड़े वर्ग के पास धन का अभाव होता है, तो इसलिए ज्यादा बॉडियां जो दफनाना शुरू कर दिया है। तो क्या इसमें इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या आप लोग? कोरोना से डर के मारे लोगों ने, जैसे एम्बुलेंस वाले को दिया एम्बुलेंस बॉडी जा रही है, तो उसी से ठेके पर तय कर दिया, उसने कहा कि 25,000 लगेगा, हम इसका अंत्येष्टि कराते। जिसने बॉडी लेने के बाद, तो इसमें कुछ हिस्से जो प्रभाव हुए वो ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा दे दिया एम्बुलेंस वाले को, उसमें केवल ये नहीं, पिछड़े दलित
सामान्य घर के लोग भी, लोगों को चार आदमी नहीं मिल रहे थे कि घाट तक जा सके। बहुत से ऐसे केस थे जो दिखाई देते हैं, लोगों ने समूह को अकेले किया है। तो जिनके पास संभव था धन, उन्होंने एक काम किया कि ठेके पे दे दिया, और जो पैसा पाने के बाद उन्होंने बॉडी को पानी में फेंका, किसन किनारे डाल दिया। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि बॉडी अभी फेंकी जा रही है, एक बार हमने न्यूज़लैंड में छापा भी था कि जो इनका कोई सरकारी बजट नहीं होता था, बाद में पता चला तो एक ट्राली पे 5-6 यादव जी को हो सकता है याद हो, उस समय काफी उठा कि 5-6 वाड़ी स्वरूप रानी अस्पताल से ट्राली वाला लेके जा रहा और ले जाके उस बाड़ियों को एक एक करके गंगा में तो फेंक रहे थे। तो हमने पूरा उसका स्टेप छापा था कि अस्पताल से बाड़ी उठाया, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाने के बाद वहां ट्राली खड़ी किया, एक एक करके पूरी बाड़ियों को फेंका। यादव साहब से जानना चाहूंगा थोड़ा कुछ, आज सरकार की जो सक्रियता बढ़ी है उसके बाद जो आप बता रहे थे कि व्यवस्था वहां हो गई है, लेकिन जिनके पास धनाभाव हो, जो व्यवस्था नहीं कर सकेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है अगर आपको जानकारी हो? क्रिमिशन के लिए पे 4,000 रुपए जो है उसके पहले दे था, सारी बता रहे थे 25,000-30,000 लोग अपना तय कर लेते थे ठेके पे जाकर अपना करते, बात इसमें कहीं कहीं सत्यता है। लेकिन अब जो है जब धीरे धीरे बात सामने आई तो अब वहां पर एक बोर्ड नगर निगम की तरह से लग गया है कि बाड़ी के अंत्येष्टि के लिए कुल 4,000 रुपए देने पड़ेंगे और 4,000 रुपए में पूरा लकड़ी पूरी सारा इंतजाम वो लोग करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जब शुरुआती दौर में जब ये कोरोना का जो पहला लहर थी तो पहले लहर में एक बड़ी भयावह स्थिति बन गई थी। तो होता क्या था कि अस्पताल से एक जो कोविड प्रोटोकॉल था उसके तहत वो अपना वहीं से बॉडी लेते थे और ला करके वो अंत्येष्टि सिफारिशों में गए, कहीं गए अपना जो है उसको उस तरीके से अंत्येष्टि कर देते थे। परिवार के लोग जो तीमारदार थे उनको बॉडी मिलती भी नहीं थी। लेकिन ये बात सही है कि पहले काफी 100 दफना दिए गए और जैसा मान लीजिए बता रहे थे कि कुछ 100 जो है गंगा में प्रवाहित कर दिए जाते थे, तो संगवेरपुर में एक ऐसी प्रथा वहां भी रही। थोड़ी देर में ही मेरे साथ द्विवेदी जी जुड़ जाएंगे। स्वामी गंगे जैसा जब प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगे की सफाई की इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा बजट काम चल रहा है, गंगा के प्रति इतनी लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, एक बार इस सारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ करके तो गंगा की आस्था को तोड़ा है लोगों को। इसी कड़ी में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हमारे सामने जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उमेश द्विवेदी जी। मैं उमेश चंद्र द्विवेदी, महासचिव राष्ट्रीय रामायण मेला संगवेरपुर धाम प्रयागराज। तो अगर ये परंपरा नहीं है तो अचानक इतनी लाशों के दफनाने की तस्वीरें कलकत्ता के अखबार में आई कैसे? अगर आई है, अगर अभी हुआ है तो फिर चिंता की बात उन्होंने जताया है कि इसका मतलब कोरोना में ज्यादा लोग मर गए हैं अचानक। लेकिन शरद मालवीय का कहना कि ये परंपरागत है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? शरद मालवीय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 25 साल पहले की बात उन्होंने कहा है, ये सही है कि निश्चित ही रूप से लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो परंपरा रही है, ये अनाद काल से चली आ रही है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। इस शरीर का, भौतिक शरीर का जो निर्माण होता है वो इस पंच तत्व से होता है और यह पंच तत्व में विलीन हो जाए, इसीलिए गंगा, भगवती गंगा जी के किनारे लोग दफन करना चाहते हैं अथवा जलाना चाहते हैं। यह हमारी सदियों से परंपरा रही है, लेकिन उस परंपरा में आज 25 वर्षों में मैं मालवीय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय को, अच्छे विषय को उठाया है कि आज 25 वर्षों में काफी सुधार हुआ है। जहां हम लाश को दफनाते थे, शव को दफनाते थे, अब हम उस ओर से चलते हुए और आगे की ओर अग्रसित हुए हैं। माँ भगवती गंगा जी निर्मल रहे, अविरल रहे, प्रदूषण मुक्त हो, इसके लिए हमने जलाने के लिए अधिकांश कदम उठा लिया है और अधिक मात्रा में लाशें जल रही हैं, दफनाई नहीं जा रही हैं और भविष्य में इसको पूरा पूरी तरीके से तत्परता से कार्य करने के लिए आज समाज में जागरूकता पैदा हुई है। मैं इस बात को कह चुका हूँ कि कोरोना काल की लाशें नहीं है, कोरोना काल में इनकी मृत्यु नहीं है, कोरोना की सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, छोटे बच्चे हैं, सर्पदंश के लोग हैं और सफेद दाग जिनको है, जिनको जलाया नहीं जाता है, वो लोग उनको गंगा के किनारे पर
सबको दफन कर देते हैं, वो एक बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गई है। हो सकता है कि उन्होंने उसको जब देखा हो तो उनके मन में आया हो कि इसे शायद कोरोना जैसा हुआ हो, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि कोरोना के समय के लाशें नहीं। अब साफ हो गया मामला, अब बहुत अच्छा, और आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मेरे लिए समय दिया है और बहुत मजबूत बनाया। एक लाइन कहना चाहूंगा कि हमारा सौभाग्य है श्रृंगवेलपुर धाम वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सही चीज को, सही बिंदु को, इस तथ्य को पूरी देश दुनिया के सामने और समाज के सामने रखने का प्रयास किया है।